फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। कई बार देखा जाता है कि लोगों के चेहरे या शरीर पर सफेद दाग हो जाते हैं। इसके होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मेलानिन बनाने वाली कोशिकाओं का नष्ट होना, अनुवांशिकता, कैल्शियम की कमी, अत्यधिक तनाव आदि। ऐसे में वो काफी परेशान रहते हैं और ज्यादातर दवाओं का सेवन करते हैं। दवाओं से ठीक होने में काफी समय और पैसा लगता है। अगर आप या आपके जानने में कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इससे निजात पाई जा सकती है। सरसों और हल्दी का मिश्रण। सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें और सफेद दाग पर लगाएं। जब ये सूख जाएं तो ठंडे पानी से इसे धो लें, लेकिन साबुन का इस्तेमाल कम से कम करें। एलोवेरा। एलोवेरा जेल से सफेद दाग पर अच्छी तरह से मसाज कर लें और सूखने पर इसे धो लें। आप ऐसा दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जूस का सेवन भी फायदेमंद रहता है। अनार। सबसे पहले अनार की पत्तियों को सुखा लें और उसका पाउडर बना लें। इसे रोज 1 गिलास पानी में मिलाकर पीने से ही सफेद दाग ठीक हो जाते हैं। नारियल का तेल। प्रभावित हिस्सों पर नारियल के तेल से मालिश करने से सफेद दाग कम होते हैं। आप दिन में 2-3 बार नारियल तेल से मालिश कर सकते हैं। नीम। नीम की पत्तियों को ज्यादातर बीमारियों का रामबाण इलाज माना जाता है। इसके लिए नीम की पत्तियों को पीसकर पेस्ट तैयार कर लें और सफेद दाग वाले हिस्से पर लगाएं। इससे आपको असर दिखेगा। आप चाहें तो नीम की पत्तियों के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। अदरक। अदरक की पत्तियों का पेस्ट बनाकर इसे पानी में मिलाकर पीने से सफेद दाग की समस्या से निजात मिलती है। या इस पेस्ट को आप सीधे सफेद दाग पर भी लगा सकते हैं। इन सबके अलावा अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सफेद दाग पर मलने से भी आराम मिलता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।